मेरी तो किस्मत ही फूटी है, न जाने किस मानुष घर में मेरे माँ बाप ने ऐसे घर में शादी की। पति तो ऐसा है ही, बेटा भी अंधा कहीं का। चल हट यहाँ से, दिखता नहीं मैं झाड़ू लगा रही हूँ। सॉरी माँ, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे तो दिखाई भी नहीं देता। हाँ हाँ, अब वो मेरी ही गलती है, दिखाई नहीं देता पर सुनाई तो देता है, तब से बड़बड़ा रही हूँ। अब हटेगा या तुझे गोदी में उठाकर रखना पड़ेगा। जी जी माँ, मैं अभी कहीं जाके बैठता हूँ। न जाने किस जन्म का बदला ले रहा है भगवान मेरे साथ, इसके माँ के साथ इसे भी ले जाता तो कितना अच्छा होता, पर नहीं, यही छोड़ गए इसे मेरी पापों की सजा दिलवाने। आप ऐसा क्यों कहती हो माँ, प्लीज मुझसे इतनी नफरत मत करो, अब इन सब में मेरी क्या गलती है। हाँ हाँ, इस घर में सारी गलती तो मेरी ही है, तू अब ज्यादा मुंह मत चला, मुझे काम करने दे, वैसे भी तू तो कुछ काम का है नहीं। अब मैं अंधा हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है। माँ तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई, यहाँ मुझसे कोई प्यार नहीं करता। दरवाजा तो खोल ही सकता है ना तू। जी माँ। कौन है? अरे भैया, आपने क्यों दरवाजा खोला, आंटी नहीं है क्या घर पर? भैया की चमची, क्या हो गया अगर इसने दरवाजा खोल दिया तो, वो इतना भी लाचार नहीं, खुद के काम खुद कर सकता है। अरे वो आंटी, मुझे तो बस भैया की फिक्र हो रही थी, वो सब छोड़िए, भैया मम्मी ने आपके लिए मिठाई भेजी है और कहा है जरूर खा लेना। क्या बात है, आजकल बड़ा प्यार आ रहा है माँ बेटी को इस अंधे पे, अगर इतना ही प्यार आ रहा है तो इसे ले क्यों नहीं जाती अपने घर। 4 दिन का प्यार और कुछ नहीं। तुम बुरा मत मानना हीरा, वो माँ थोड़ी गुस्से वाली है पर दिल की बहुत अच्छी है। आप सच में कमाल हो भैया, वो आपको दिन रात इतना कुछ सुनाती है और फिर भी आप उनकी साइड लेके ही बात करते हो, आप सच में बहुत अच्छे हो। क्या करूँ हीरा, वो जैसी भी है मेरी माँ है और वो गलत भी तो नहीं, मेरी इस हालत की वजह से उन्हें काफी सारी तकलीफ उठानी पड़ती है। ये भी सही बात है भैया, पर सोच तो वो मुझे घर के बाहर भी निकाल सकती थी, या तो खुद भी घर छोड़कर जा सकती थी, या फिर मुझे भूखा भी रख सकती थी, पर नहीं, उन्होंने मेरा हमेशा ख्याल रखा है, उसके बदले में मैं 4 बातें सुन भी लूं तो भी क्या फर्क पड़ता है। फिर वो आपको डांट कर आपसे काम करवाती है, उसका क्या, क्या उसमें भी उनका प्यार है? अरे पगली, वो तो ये सब इसके लिए करवाते है क्योंकि मैं आत्मनिर्भर बन सकूं, अगर ये सब वो प्यार से करेंगी तो मैं थोड़ी ना मानने वाला हूँ। सच में आप सबको अपनी मन की आंखों से देखते हो, इसलिए आपको सब अच्छे लगते हैं और इसलिए आप हमें अच्छे लगते हो, बस यूं ही मुस्कुराते रहो। चलो मैं चलती हूँ, मम्मी वेट कर रही होगी। ये लड़का सच में कमाल है, मैं अपना सारा गुस्सा इस पर निकालती हूँ फिर भी ये कभी उल्टा जवाब नहीं देता, मैं भी क्या करूँ बेटा, तेरे पापा का गुस्सा तुझ पे निकलता है, पर सच में मुझे तेरी चिंता है, मेरे जाने के बाद न जाने तेरा क्या होगा। माँ, आंटी ने ये मिठाई भेजी है, क्या आप नहीं खाओगे? मुझे नहीं चाहिए, तू ही खा, तेरे लिए भेजी है, मैं खाऊंगी तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। मुझे पता है इनके गुस्से में ही इनका प्यार है, पर पता नहीं क्यों ये खुल के प्यार जाहिर ही नहीं करती। अच्छा सुन, मैं मार्केट जा रही हूँ, तू अच्छे से घर का ख्याल रखना और किसी के लिए दरवाजा मत खोलना, चाहे तो उस बाजू वाली लड़की को बुला ले। अरे लगता है माँ का फोन आया। हेलो, क्या, कहाँ, कब, नहीं ऐ
ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ भैया, किसका फोन था? हॉस्पिटल से फोन था हीरा, कह रहे थे मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो हमें जल्दी से हॉस्पिटल चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरी माँ। शांत हो जाओ बेटा, आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ। आई एम सॉरी बेटा, तुम्हारे माँ का एक्सीडेंट हुआ था और जब उन्हें यहाँ पे लेके आ गया तो उनकी हालत बहुत खराब थी। उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उनकी आंखें उनके जाने के बाद हम तुम्हें दे दें। वो तुम्हें एक नई जिंदगी देना चाहती थी, इसलिए उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए हमें तुम्हारे आंखों का जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। नई जिंदगी मिली है, अब मैं आपकी नजरों से सारी दुनिया देख सकता हूँ। मेरे 100 रुपए बर्बाद हो गए इन पतंगों के चक्कर में। मेरा पूरा महीने का बजट खराब हो गया। और आप लाइक और कमेंट करने में कंजूसी मत करना मेरी तरह। एक, दो, तीन, चार। माँ। हाँ। मुझे पतंग दो ना, मैं अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने जा रहा हूँ। पतंग? अच्छा ठीक है, अभी देती हूँ। पर अगर इसे सारी पतंग दे दी तो कहीं। माँ, मेरी सारी पतंगे कट गई, अब मुझे और पतंगे चाहिए। क्या? सारी पतंगे कट गई? ठीक है, तू ये ले जा, तू इसे ले जाकर अपने लिए ढेर सारी पतंगे ले आ। ठीक है माँ। माँ। हाँ। फिर से सारी पतंगे कट गई। हाँ? फिर से? हाँ, अब मुझे और पतंगे चाहिए। पर अब तो मेरे पास कुछ नहीं सिवाय इन चिल्लरों के, अब इन्हीं से काम चला ले बेटा। लेकिन माँ, इनसे क्या होगा? ठीक है, अब मैं घर बेच के ढेर सारी पतंगे लूंगा। नहीं बेटा, ऐसे मत कर। नहीं माँ, मैं जा रहा हूँ। रुको। नहीं नहीं, इस तरह से तो मेरी सारी चीजें बिक जाएंगी। माँ, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तू एक काम कर, ये एक पतंग ले जा और इससे ही काम चला। क्या, बस एक? ये माँ भी ना कभी नहीं सुधरी। माँ ये देखो, अब तो मेरी ये भी पतंग फट गई, अब तो मुझे दूसरी लाकर दे दो। क्या, फट भी गई? अच्छा तू रुक, ला दे, मैं अभी कुछ करती हूँ। अब ये सही से उड़ेगी। ये ले बेटा, तू ये ले जा। बोलो बेटा। अरे आंटी,
मम्मी ने आपके लिए तिल की चिक्की भेजी है। अरे ये तो कितनी सारी है। वैसे आंटी आपने नहीं बनाई? हाँ बनाई है ना। तो जरा मुझे भी टेस्ट कराइए, मैं भी तो देखूं कैसी बनी है। वैसे भी मेरी मम्मी कहती है किसी को खाली डिब्बा नहीं देना चाहिए। अच्छा रुको अभी लाई। अरे ये कंजूस आंटी इतनी आसानी से कैसे मान गई? ये लो बेटा। जरा डिब्बा खोलकर तो देखो। रहने दीजिए आंटी, मेरा देख कर ही पेट भर गया। और वैसे भी इतनी सी चिक्की के लिए इतना बड़ा डिब्बा थोड़ी लेकर जाऊंगी मैं। मेरे लिए इतना ही काफी है, आप ही खाइए। थैंक यू। कंजूस। अरे इतनी चिक्की बच गई है, कोई बात नहीं किसी और को दे दूंगी। अम्मा। हाँ बेटा। आप पतंग तो लेके आई पर मांजा तो लाया ही नहीं, अब मैं पतंग कैसे उड़ाऊं? अच्छा रुक। ये इससे कौन पतंग उड़ाता है? इससे मैं कैसे पतंग उड़ाऊंगी? अरे जब तेरी उम्र की थी तो इसी से पतंग बांधकर सारे शहर के चक्कर लगाती थी, बड़ा मजा आता था। मम्मा वो आपका जमाना था। चुप कर, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ। जा ये ले जा। यार मम्मा को तो कुछ कहना ही बेकार है। मुझे वो चाहिए, व्हाइट वाली पतंग चाहिए। मुझे वो वाली। माँ हम जा रहे पतंग उड़ाने और हमने सारी सेफ्टीज का भी ध्यान रखा है। चल चुटकी। रुको मैं भी आ रही हूँ तुम लोग के साथ पतंग उड़ाने। रुको जाओ पर जरा संभल के किसी को चोट ना लग जाए। अब पतंग उड़ाने में क्या लगेगा मम्मा, आप भी ना। मैं तुम्हारे बारे में नहीं उन मासूम पंछियों के बारे में कह रही हूँ। हर साल उन्हें हमारी वजह से न जाने कितनी चोट पहुँचती है, कुछ तो बेचारे मर भी जाते हैं। पर हमें क्या, हमें तो अपनी एंजॉयमेंट से मतलब है। ठीक है तुम लोग जाओ वरना तुम न जाने मेरे बारे में क्या सोचोगे। जाओ मजे करो। मम्मा मुझे नहीं उड़ानी पतंग। मुझे भी नहीं, आज के बाद मैं पतंग कभी नहीं उड़ाऊंगा। आंटी हो तो आप बड़ी कंजूस पर आज पहली बार आपने कुछ सही बात कही है। मान गए आपको और आपकी सोच को, अगर ये लोग पतंग नहीं उड़ाएंगे तो मैं भी नहीं उड़ाऊंगी। क्या मैं कंजूस?